हॉस्पिटल में नहीं है। अगर आपको ये बात बता एक बात, या तो उनका प्रतिनिधि को ना ना जिला जिला प्रशासन, हाँ बिल्कुल, हमें को ये फोटो खिंचाना है, तुम्हारी बात कहने का, हाँ हमें फोटो खिंचाने का शौक नहीं, हमें अपनी बात रखनी है, बात मनवानी है, बात तो यार अल्टीमेटम है। देख सुनिएगा, हम ऐसे साहब से मिलने जाएंगे, वहाँ तक पता चलना चाहिए, विगत दिनों हुई थाना भोजपुर क्षेत्र में राशन डीलर की हत्या से ग्रामीणों में रोष, कार्यवाही के लिए एसएसपी को सौंपा शिकायती पत्र, एसएसपी कार्यालय तक जुलूस निकालने की बात सुनकर पुलिस ने ग्रामवासियों को अंबेडकर पार्क पर रोकने की कोशिश की, जिसमें ग्रामवासियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। थाना भोजपुर क्षेत्र में विगत दिनों हुई राशन डीलर की हत्या के संबंध में पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही न किए जाने को लेकर दलित समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में क्षेत्रवासी अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में इकट्ठा हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को अंबेडकर पार्क पर ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकालकर अपनी मांगों को लेकर और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भोजपुर थाना इलाके में चुनावी रंजिश के चलते सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हमलावर 3 राउंड फायरिंग करते हुए बड़े ही आराम से फरार हो गए थे। आसपास खड़े लोगों ने पुलिस को कॉल कर बुलाया। पुलिस के आने पर घायल सुरेंद्र को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई थी। सुरेंद्र की हत्या से उसके परिवार में हड़कंप मच गया, जिसको देखते हुए आज एसएसपी कार्यालय में एक शिकायती पत्र दिया गया है। इस बारे में जब अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये थाना भोजपुर में काफियाबाद गांव है, वहां पर एक हमारा दलित व्यक्ति गार्ड की नौकरी करता है, सुरेंद्र सिंह नाम है, और वो अपनी रात की ड्यूटी करके सुबह घर जा रहा था। 7:30 बजे इन दरिंदों ने गोलियों की, मतलब एक गोली नहीं मारी है, 3 गोली मारी है पूरी, और वो उसको जो है मार दिया, ऑन रोड मारा है, चौकी के सामने मारा है। इस्लाम नगर चौराहे की घटना है और इस्लाम नगर चौराहे पे चौकी है। तो आज पुलिस का भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 5 में से केवल अभी तक एक मुलजिम पकड़ा गया है। इससे ये पता चलता है कि प्रशासन हमारा कितना सजग है, कितना जागरूक है। ये सब जो हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रशासन की इसमें ढील है, और नहीं तो उसी समय अगर ऑन स्पॉट वो मुलजिम पकड़े जाते तो अब तक सब मुलजिम पकड़े जाते। अब जितना ये गैप हुआ है, मुलजिम कम से कम सैकड़ों नहीं बल्कि कई सौ किलोमीटर दूर भाग गए होंगे। अब ये प्रशासन जो है ये मतलब कहेगा कि वो नहीं मिल रहे, तो उनको भागने का मौका पुलिस प्रशासन ने दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर इस मुकदमे में एससी एक्ट लगा है, एससी एक्ट में तत्काल डीएम को और एसएसपी को मौके पे घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश हैं, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार को जो मदद करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोग जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि ये जो मुलजिम है, 4 मुलजिम अभी बाकी हैं, ये तत्काल पकड़े जाएँ, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अखिल भारतीय अंबेडकर संघ के संगठन ने और यहाँ पर जित तमाम यहाँ संगठन हैं, उन्होंने 72 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कुछ किन कारणों से की गई थी, किस रंजिश में? ये चुनावी रंजिश है। गांव के अंदर एक छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाते हैं। ये इसकी वजह यह है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आम जनता से नज़दीक नहीं है, आम जनता से प्रशासन की दूरी बनी हुई है, इसलिए आदमी छोटी छोटी घटना बातों पे मर्डर कर देता है। अगर प्रशासन 4 दिन हो गए, 4 तारीख की घटना है, 5वां दिन है, 4 दिन बीत गए, 4 तारीख की सुबह 7:30 बजे मर्डर हो गया, एक की हुई है केवल। कितने आरोपी फरार हैं? मुख्य आरोपी चार है, सब मुख्य हैं, सबके हाथ में तमंचे थे, सबने गोलियां मारी हैं, 3 गोली लगी हैं। तो यह है कि जब दूर से आदमी गोली मारता है तो किसी की नहीं भी लगती है, लेकिन गोलियां सबने चलाई होंगी और 3 गोली जब लगी है शरीर में तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है और इसमें प्रशासन की बहुत ढील है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 72 घंटे के अंदर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो मुरादाबाद की धरती पे बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचेगी।